जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ते देख जिला कलेक्टर द्वारा शाम 8 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। इस कर्फ्यू की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। इसी दौरान शनिवार रात जोधपुर के बनार थाना पुलिस द्वारा कर्फ्यू के समय गश्त की जा रही थी, उसी समय पुलिस को 3 या 4 युवकों दिखाई दिए। पुलिस उसके पास पहुंची तो उन युवकों ने पुलिस पर पथराव बरसाने शुरू कर दिए। पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूट गए, 1-2 पुलिस कर्मियों को मामूली चोटें भी आई। घटना के बाद पत्थरबाजी करने वाले युवकों मौके पर फरार हो गए, जिसके पश्चात पुलिस ने इस पूरे मामले में राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज किया और पूरे मामले की जाँच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए बनार थाना अधिकारी अशोक आंजना के निर्देशन पर पुलिस द्वारा पत्थरबाजी करने वाले युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को राजकार्य बाधा सहित अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाले 2 अन्य युवकों को भी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस पत्थरबाजी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये दिनांक 31 तारीख को सायंकालीन गश्त के दौरान गाड़ी में दुर्गाराम जी ऐसी गश्त में गए थे, तो इन्होंने मुलजिमानों ने गाड़ी को रोक करके मारपीट की स्टाफ के साथ और गाड़ी को पत्थर मारे और राजकार्य बाधा उत्पन्न की है, जिसमें ये 3 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं और अनुसंधान जारी है।